नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शुरू से अंत तक प्लीज़ देखिए इससे इस वीडियो को। आज जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि विकास का मूल मंत्र क्या है, तो विकास का मूल मंत्र टाइम टेबल या दिनचर्या, यही विकास का मूल मंत्र है। इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसके पक्ष और विपक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। यदि आपका टाइम टेबल सही है, दोस्तों टाइम टेबल का मतलब होता है कि सुबह से शाम तक किसी भी काम को करने की रूपरेखा तैयार कर लेना, यही टाइम टेबल कहलाता है। इसी को दिनचर्या भी कहते हैं। और अगर देखिए टाइम टेबल आपका सही है तो एक टाइम टेबल से क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं, इन दोनों पक्षों पर हम चर्चा करते चलेंगे। तो पहला पॉइंट है कि सकारात्मक सोच का विकास होता है। अगर आपका टाइम टेबल सही है तो आपके अंदर पॉजिटिव सोच आएगी, निराशा समाप्त होती है, मन की निराशा, ठीक है, मन की हताशा, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। समय से सारे काम होते हैं, आलस्य दूर रहता है, और आलस्य दूर रहेगा तो जोश, उत्साह, उमंग, एनर्जी या ऊर्जा वो आपके पास रहेगी, भरपूर मात्रा में रहेगी। बच्चे जो होते हैं आपके, वो भी आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप आलसी हैं तो बच्चे भी आलसी होंगे। अगर आप जो है ऊर्जावान हैं, उत्साह है आपके अंदर, जोश रहता है पूरे दिन, तो बच्चे भी जोशीले होते हैं, उत्साह युक्त होते हैं, उनके अंदर भी उमंग रहती है। बच्चे अनुसरण करते हैं जैसा बड़े करते हैं। घर के मुखिया जो करेंगे वही आपके बाकी सदस्य भी वैसा ही करने लगते हैं। समय से, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो समय से अपने कार्यालय या ऑफिस पहुंचेंगे, ड्यूटी अपनी पूरी करेंगे और आपका समस्त काम जो है समय से सुचारू रूप से संपन्न होगा। टाइम टेबल अगर है आपका निश्चित तो उससे अनुशासन की भावना भी आती है। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी अनुशासित रहते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सभी सदस्यों का अच्छा रहता है, बीमारियां कम होती हैं, सभी सुखी और प्रसन्न रहते हैं। उम्र बढ़ती है, उम्र अधिक रहती है तो आप अपने जीवन के अनुभवों को भी अपनी पीढ़ी तक अधिक मात्रा में पहुंचाते हैं। आप जो भी आप अनुभव सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो भी आप अपने बच्चों को दे पाते हैं। जब आप उम्र बढ़ेगी, ज़्यादा उम्र तक जिएंगे, आप दादा बनेंगे, दादी बनेंगे, नाना बनेंगे, नानी बनेंगे, तो आप अपने जीवन के जो अनुभव हैं छोटे बच्चों को भी आप दे पाएंगे, ठीक है। बीमार जो लोग टाइम टेबल का पालन नहीं करते हैं, जिनका समय निश्चित नहीं है कब जागना है कब सोना है, तो वो बीमार रहते हैं, अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, तनाव युक्त रहते हैं, टेंशन रहती है, उन्हें गुस्सा भी आती है। यदि दिनचर्या सही है तो बीमारियां सही रहती हैं, टेंशन दूर रहती है, ठीक है। अपना समय फिक्स करें, अपने घर का, अपनी ज़िंदगी का टाइम फिक्स करें। जिस प्रकार से घड़ी है, समय के अनुसार ही, जब उसका समय हो जाएगा तभी 1 बजेंगे, तभी 2 बजेंगे, तभी 3 बजेंगे। ऐसा नहीं है कि जब चाहे जब बज जाए। सतत रूप से चलने पर और क्रमबद्ध तरीके से चलने पर ही आपको भी वैसे ही चलना है घड़ी की तरह। समय अपना फिक्स करना है घड़ी के अनुसार, वरना ये बताइए कि समय निर्धारित करने की क्या आवश्यकता थी, ठीक है। ये हम ही, आप ही ने तो ये समय का निर्धारण किया है।
नहीं तो टाइम बनाने की आवश्यकता ही क्या थी कि ये इतने बजे, 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, पूरा दिन है, पूरी रात है, चलते रहते, जब जो मन आता वो करते रहते काम। तो ये समय ही हमें तरक्की की ओर ले जाता है, समय ही हमें डेवलपमेंट हमारा करवाता है। तो सभी लोग अपना समय फिक्स करें कि समय पर हमें क्या काम करने हैं, ठीक है। सभी लोग समय का पालन अनिवार्य रूप से करें, घर के जितने भी मेंबर हैं सभी को इसकी आदत डालनी ज़रूरी है। बच्चे बचपन से ही अनुशासित रहते हैं, अगर वो बचपन में अनुशासित हैं तो वो ताउम्र अनुशासित रहेंगे। और ये अनुशासन कौन सिखाता है? हमारा ये टाइम टेबल, हमारी ये दिनचर्या उसको अनुशासन में रहने की आदत बनाती है। बच्चे, अगर हम बचपन से अनुशासित हैं तो हमें आगे भी नियम कानून अच्छे लगेंगे। जैसे मैं अपनी बात बता दूं तो मुझे भी जितने नियम स्ट्रिक्ट रहते हैं मुझे अच्छा लगता है, नियमों का पालन अगर होता है तो मुझे अच्छा लगता है। और जहाँ भी नियम गड़बड़ दिखाई देते हैं मुझे, मुझे उस जगह एक पल ठहरना भी बहुत मुश्किल में कटता है। और एक चीज़ और ध्यान दें कि सभी लोग आसपास के जितने भी सभी अच्छे लोग हैं, अगर आप अनुशासित रहते हैं तो सभी लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छे व्यक्ति अच्छे लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। अगर आप अच्छे हैं, आपका टाइम टेबल सही है, तो आपसे सभी लोग मिलना जुलना पसंद करेंगे, ठीक है। और लापरवाह लोग होते हैं, उनसे जो अच्छे लोग हैं वो मिलना जुलना पसंद नहीं करते। अगर टाइम टेबल आपका सही है तो आपके मन में अच्छे विचार भी आते हैं, ठीक है। सुबह अगर आप जल्दी जागने की आदत है आपकी, प्रातःकाल जिसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी समय पर उठते थे, 4 बजे अपनी सैया छोड़ देते थे। तो उसका एक रीज़न था, किसको नहीं सोना अच्छा लगता है सुबह के समय, सोना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए भी एक आदत बनानी पड़ती है, एक टाइम टेबल होता है, उसका भी एक रीज़न है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, कि हिमालय पर्वत से जो हवाएं चलती हैं उत्तर दिशा से, क्योंकि उत्तर में हिमालय है, वहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो स्वास्थ्य के अनुकूल होती हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं। उनसे होकर के जब हवा गुजरती है और वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो इसके तो वो हमारे स्वास्थ्य को लाभप्रद होती है। यदि आप सुबह देर से उठते हैं, सुबह देर से उठने से क्या होगा कि वो जो मलय समीर है, जो हिमालय पर्वत की जो हवा है, उससे आप वंचित हो जाते हैं और आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए सुबह एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, समय से जागना, यदि आप समय से ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो अपने स्वच्छ, अपने शरीर को स्वच्छता के लिए भी समय रहता है, ठीक है। आप जल्दबाजी नहीं करते, टाइम टेबल आपका बना हुआ है, सुबह 4 बजे से उठना है, इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी दिनचर्या बनी हुई है, तो जल्दबाजी नहीं करते, भड़बड़ाहट नहीं होती आपके अंदर, आपका बीपी भी देखिए कंट्रोल रहता है। और जिन लोगों की टाइम टेबल सही नहीं है तो उनका देखिए बीपी ख़राब रहता है, कभी बीपी लो हो जाएगा, कभी बीपी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, शहरों के लोग बीपी से समस्या से ग्रसित रहते हैं, उसका मूल कारण है कि उनका टाइम टेबल सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, टाइम टेबल उनका सही है, समय से जागना, समय से सोना, तो उनका बीपी सही रहता है। यहाँ वही बात हम कर रहे हैं कि बीमारियाँ भी आपके टाइम टेबल से दूर होती हैं। समय से जागते हैं, अपने अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, आप समय से टहलते हैं, टहलने की आदत बनाइए, टहलने का टाइम टेबल बनाइए, एक्सरसाइज करने का टाइम टेबल बनाइए। इसके बाद 2-4 दिन आपको तकलीफ़ होगी, 1 हफ्ते मुश्किल से, इसके बाद वो आदत सी बन जाएगी, आपकी स्वतः नींद खुल जाएगी। समय से स्नान करते हैं, समय से जागना, स्वच्छता, टहलना, स्नान, इसके बाद पूजा पाठ, इसके बाद अपना नाश्ता, खाना पीना, फिर इसके बाद अपनी ड्यूटी जब पर जाना, बच्चों को भी समय दे पाते हैं आप, अपनी फैमिली को समय दे पाएंगे, समय से आप सोएंगे, ठीक है, आपका मन प्रसन्न रहेगा। समय से अगर सोते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल रहेगा,
घर के मुखिया का तेज होना इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों, टाइम टेबल का पालन करने के लिए। या तो आप स्वतः, ठीक है, और घर के मुखिया का, घर का मुखिया अगर का टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब टाइम टेबल, अगर घर के मुखिया का अगर तेज तर्रार नहीं है तो वो समय का पालन नहीं करवा पाएगा। यानी कि दिनचर्या से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अगर सही दिनचर्या है आपकी, तो सही दिनचर्या अगर है तो आपका समय से जागना होगा, सकारात्मक आपके अंदर ऊर्जा आएगी। इसके बाद आपके मन, देखिए तन स्वस्थ रहेगा, इसके बाद मन स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो स्वस्थ मन का मतलब है यहाँ माइंड से, आप समय से उठ रहे हैं, शरीर के लिए भी समय दे रहे हैं, स्वस्थ रख रहे हैं, उसे स्वच्छ रख रहे हैं, तो आपके तन का विकास होगा, तन के विकास होने पर आपके मन का विकास होगा, माइंड का विकास होगा, माइंड का विकास होने पर आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, गलत लोगों, गलत संगत में आप नहीं पड़ेंगे, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। टाइम टेबल अच्छा है आपका, मन स्वस्थ है, तो आपके अंदर जो डिसीजन लेने की क्षमता है, क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय भी आप अच्छी तरह ले पाएंगे, ठीक है, और आप सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। यदि आपका टाइम टेबल सही नहीं है तो आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, जिसने जैसा कह दिया वैसे ही करना है। जैसे कोई व्यक्ति 8 बजे उठा, आओ यार, कोई आया आपके पास, आओ चले, अरे भाई उसका एक समय तो फिक्स होना चाहिए कि हमें किस समय पर घूमना है। ये थोड़ी कि आप सुबह से ही आप निकल जाओगे किसी भी काम में, किसी भी गलत कार्य में भी आपका मन नहीं लगेगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूजा पाठ के बारे में मैं थोड़ा सा इस वीडियो में विश्लेषण करना चाहता हूँ। धर्म या पूजा पाठ ये बहुत ज़रूरी है। अपने घर में ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाइए, कोई भी देवी देवता की आप आराधना करिए, या अपने, हम कहते हैं, गुरुओं की पूजा करिए, कोई एक स्थान दीजिए उनके लिए। ये पूजा पाठ आपको निरंतर विकास की ओर ले जाएगी, ये धर्म आपको विकास की ओर ले जाएगा। कुछ ना कुछ डर होता है बचपन में, तो ठीक है, माँ बाप का डर है, हम देर तक सो रहे हैं, पापा लेके डंडा लेके आ जाएंगे, मारेंगे। लेकिन आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपको कौन नैतिकता के मार्ग पर चलाता है, ये आपका गॉड, ईश्वर, इसको अगर आप, इनको अगर मानते हैं आप, ईश्वर को पूजा पाठ करते हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो आप ऑटोमेटिक सुबह प्रातःकाल जल्दी उठेंगे। जल्दी उठने के बाद आप जानते हैं कि अगर पूजा करनी है तो उसके पहले नहाना पड़ेगा। आप प्रातःकाल जब उठेंगे, इसके बाद अपने शरीर को, घर को साफ सफाई करेंगे, तब जाके आप पूजा पाठ निश्चित रूप से करेंगे। और यही हमें धर्म या ईश्वर, हमारा देवता, ये हमें नैतिकता के मार्ग पर ले जाएगा और हमको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये नहीं है कि गॉड या ईश्वर या देवता हमारे, हमको किसी एक सही राह दिखाते हैं, एक डर पैदा करते हैं आपके अंदर, डर पैदा करने की बात नहीं है, एक मतलब ये है कि आपको समय से जागने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। और उन लोगों को, समाज के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहने वाला हूँ, किसी भी जाति के हों या किसी भी धर्म के हों, समाज के उन्हीं लोगों ने विकास किया है जिनका टाइम टेबल सही है। और वो लोग आज भी गरीब हैं जिनका टाइम टेबल सही नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे यार वो तो बहुत ऊंचाइयां छू रहा, वो तो बहुत सफल हो गया, तो उनकी सफलता के पीछे क्या राज हैं उनको खोजने की कोशिश करिए। और वो राज है टाइम टेबल, दिनचर्या। अगर उनका टाइम टेबल और दिनचर्या सही ना होती तो उनका माइंड सही ना होता,
उनका दिमाग अच्छी तरह काम ना करता, उनकी बुद्धि सही ना होती, IQ लेवल उनका सही ना होता, तो वो कैसे आगे बढ़ जाते, सोचिए। तो अगर आपका दिमाग सही है तो आपको तो विकास करना ही करना है। बस दोस्तों, मैं अपने जीवन के जो अनुभव हैं वो केवल आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा बहुत बुद्धिमानी वाली बातें कर रहे हैं, केवल अपने जीवन के अनुभव शेयर कर रहा हूँ। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपने जीवन के कोई अनुभव हो तो मुझे भी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके, क्योंकि हम लोग पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं और अपने अनुभवों को अपने ही अंदर दबा के चले जाते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास अनुभव मिला वो मैं आप लोगों तक शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, वही कहना चाहता था, जो लोग आगे बढ़ गए हैं इस दुनिया में, जो अमीर हैं, उनकी दिनचर्या सही है, उनका टाइम टेबल सही है, यही मूल मंत्र है दोस्तों आगे बढ़ने का, वो आप करके देखिए। और जिन लोगों की सोचते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी निकल गई, अब हमें क्या करना है टाइम टेबल सही करके, उम्र के किसी भी पड़ाव पे आप अपनी दिनचर्या निश्चित कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारी तो आधी ज़िंदगी निकल गई, आधी और बची है वो भी निकल जाएगी, ऐसा मत सोचिए। आप अपनी पीढ़ी को तो सुधार सकते हैं, आप अपनी जनरेशन को सुधार सकते हैं, और वो कब सुधरेगी, जब जैसा आप अनुसरण करोगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, आप अपने बच्चों पे ज़बरदस्ती ना करें, आप स्वयं करें, आप स्वयं अपना टाइम टेबल निश्चित करें। कुछ दिन आपका देख देख के अनुसरण करने लगेंगे बाकी लोग, घर के सभी मेंबर, आपके घर के क्या समाज के लोग भी आपका अनुसरण करने लगेंगे। और पूजा पाठ की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक घंटा पूजा स्थल पर बैठना है ईश्वर के सामने। केवल मात्र आप दो अगरबत्ती लगा दीजिए, 5 मिनट के मंत्र जाप कर लीजिए, बस हो गया। क्योंकि उससे आपकी टाइम टेबल सही रहेगी, वो आपके अंदर एक, उनकी वजह से वो आपको जगाएंगे। क्योंकि आप जब जागोगे समय से, तभी समय से पूजा होगी, तभी सूर्योदय के। और एक बात और निश्चित कर लें कि हमें सूर्योदय के पहले उठना है, सूर्य उदय होने के पहले ही आपको जाग जाना है, बिस्तर छोड़ देना है ब्रह्म मुहूर्त में। फिर आप देखिए कमाल डेवलपमेंट का। कोशिश करिए, राह कठिन होती है, लेकिन क्योंकि जो लोग सुबह देर तक सोते हैं उनके लिए जागना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने में क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर देखिए अमीर बनना है, सफल होना है, तो ये तो थोड़ा सा आलस दूर करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वारा निबोधत, स्वामी विवेकानंद जी ने एक लाइन कही थी, और इसी स्लोगन को आप बड़े अक्षरों से टाइप करवा के अपने सामने, जहां आप सोते हैं बिस्तर, उसके सामने आप ये दीवार पे चिपका लीजिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वारा निबोधत। इसका मतलब है कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि सफल ना हो जाओ। देखिएगा, कभी कभी कुछ शब्द, कुछ पंक्तियाँ, कुछ कहावतें, कुछ स्टेटमेंट आपको प्रेरणा प्रदान करती हैं, आपके अंदर ऊर्जा लाती हैं, ठीक है ना। और या तो फिर दूसरा तरीका है कि भय, भय तो ईश्वर का भी हो सकता है और भय मनुष्य का भी हो सकता है। अगर आप छोटे हैं तो आपके माँ बाप भी ये भय का माहौल पैदा करके दिनचर्या सही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपके पास भी कोई अनुभव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।